मटन सीख है, मटन सीख, चिकन सीख, अच्छा पारे टिक्का है, काली मिर्च है, मलाई टिक्का है, रेशमी टिक्का, मलाई लैग, सबसे ज्यादा भीड़ यहीं पर ही है, मलाई में भरपूर डल गया। इसके अंदर क्या है, ये मोइनीस वगैरह है, हाँ। और यहाँ पर ये रोल्स वगैरह, ये भी चिकन मटन में दोनों में अवेलेबल होते हैं। भेजा और भेजा मसाला, गुर्दा मसाला, मटन भुना, भेजा मसाला, गुर्दा मसाला, चिकन रोल है, मटन रोल, भेजा रोटी, नान सैंडविच, सब फेमस है। आ गया है चिकन स्पेशल मलाई टिक्का। ये जो रमजान में वन मंथ के लिए लगता है ना, कुछ ज्यादा ही स्पेशल रहता है। मजा आ रहा है, मुंह में एकदम घुल मिल रहा है। अखरोट की फिरनी, पिस्ता की फिरनी, यहाँ पर बकरे की रान वगैरह भी मिल रही, एकदम पॉपुलर है वो है मैंगो मलाई। अभी मैं खड़ा हूँ बॉलीवुड स्टार ताहिर भाई के साथ और उनके छोटे भाई मोहर भाई के साथ, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जैसे कि सलमान खान और शिल्पा शेट्टी, गौहर खान, बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और शेफ्स भी यहाँ पर खाने पीने के लिए आते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो आज हम लोग आ गए हैं मोहम्मद अली रोड बोहरी मोहल्ला इन रमजान। तो यहाँ पर हम लोग आज एक्सप्लोर करने वाले हैं खान पान इन रमजान 2023। जैसे कि पहले मोहम्मद अली रोड एक्सप्लोर किया था, सो आज हम लोग एक्सप्लोर करेंगे बोहरी मोहल्ला में, यहाँ पर जैसे कि खाने पीने की काफी सारी आइटम्स मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फाइनली गाइज हम लोग आ गए हैं बोहरी मोहल्ला में साबिर तवक्कल, जो कि बहुत ज्यादा फेमस है। और यहाँ पर बन रहा है भाई, क्या क्या आइटम्स अवेलेबल है आपके यहाँ पर, स्पेशलिटी क्या क्या है यहाँ? सबसे फैसिलिटी है मलाई टिक्का है, मलाई टिक्का, रेशमी टिक्का है, रेशमी टिक्का, मटन सीख है, मटन सीख, चिकन सीख, अच्छा पारे टिक्का है, काली मिरी है, अच्छा अच्छा मलाई लेक है, तंदूरी लेक है, मलाई लेग, लेग तो ये पीस, मलाई लेग पीस, तो ये आप लोग देख सकते हो मलाई लेग पीस। बहुत सारे यहाँ पर जो है सीख्स अवेलेबल है। तवक्कल साबरी तवक्कल स्वीट्स, पीछे उधर भी तवक्कल ही है जी, पीछे जी। वो स्पेशली स्वीट्स का है जी। और यहाँ पर जो है नॉन वेज आइटम ज्यादातर लोग आ रहे हैं खाने पीने के लिए। यहाँ सबसे ज्यादा भीड़ यहीं पर ही है, तवक्कल्स पर ही सबसे ज्यादा भीड़ है। चिकन सीख भी मस्त है, मटन सीख और चिकन, अच्छा मटन सीख फेमस है, क्या बात है भाई। आपका नाम क्या है? मोहम्मद लालू है सर। मोहम्मद लालू, क्या बात है भाई। बिहार का रहने वाला हूँ। इधर के ही रहते हो? नहीं बिहार का रहने, अच्छा बिहार के हो आप, क्या बात है। हम लोग भी यूपी के ही है। ठीक है सर। काली मिरी सर, काली मिरी, ये पहाड़ी, ये पहाड़ी, रेशमी, रेशमी, तंदूरी लेग, तंदूरी लेग, चिकन टिक्का, चिकन टिक्का, मलाई लेग, मलाई लेग, और मलाई टिक्का, मलाई टिक्का, स्पेशल इसमें मलाई टिक्का भी बनता है, मलाई टिक्का स्पेशल है, हाँ। क्या बात है। और अभी मैं बता दूं आप लोगों को, 12:15 बज रहे हैं और आप लोग भीड़ चेक करिए, काफी ज्यादा भीड़ यहाँ पर होगी। आप दिखाते हैं पीछे जो है स्पेशली तवक्कल स्वीट करके है, तो वहाँ पर जो है स्वीट्स वगैरह मिलती है। यहाँ पर नॉनवेज का आइटम है, मालपुआ भी बन रहा है पीछे, सो आपको वो भी चल करके दिखाता है। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, वीडियो में मजा आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो यहाँ पर गाइस आप लोग चेक कर सकते हो मलाई टिक्का जो है जा रहा है यहाँ पर रेडी होकर के, ये यहाँ पर रेडी हो रहा है मलाई टिक्का, आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हो। मलाई में भरपूर डल गया। इसके अंदर क्या है, ये मोइनीस वगैरह है? हाँ मोइनीस है, क्रीम है, फ्रेश क्रीम है। अच्छा अच्छा फ्रेश क्रीम, मोइनीस वगैरह, हाँ डाल दे, क्या बात है, बहुत बढ़िया यार, गजब, मुंह में पानी आने वाला है। अपन भी कुछ चीज खाते हैं थोड़ा बहुत, वैसे तो पेट बहुत ज्यादा भरा हुआ है, बट जो यहाँ पर सबसे ज्यादा फेमस चीज है वो अपन थोड़ा सा टेस्ट करके जरूर जाएंगे। ये जो यहाँ पर रेडी हो रहा है ये क्या चीज है? अपना भेजा मसाला। ये भेजा मसाला रेडी हो रहा है यहाँ पर, अच्छा स्पेशल भेजा मसाला। अच्छा यहाँ पर सबसे ज्यादा बेहतरीन जो तवे वाली आइटम है वो क्या है? सबसे ज्यादा स्पेशल अपना भेजा गुर्दा, स्पेशल भेजा, भेजा, काली मिरी गुर्दा। अच्छा भेजा और गुर्दा सबसे ज्यादा स्पेशल है। आपको पीछे स्वीट्स का भी दिखाएंगे, अभी फिलहाल हम लोग नॉनवेज आइटम दिखा रहे हैं। और यहाँ पर ये रोल्स वगैरह ये भी चिकन मटन में दोनों में अवेलेबल होते हैं। और ये अपना नान चाप जो होता है, नान चाप का क्या प्राइस रहता है? चिकन नान चाप में 65 है, मटन नान चाप में 60। अच्छा 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 मटन चाप, मटन भी मिल जाएगा, चिकन भी मिल जाएगा, इस दोनों तरह की यहाँ पर वैरायटीज अवेलेबल मिल जाएगी। लेकिन सबसे ज्यादा भाई बता रहे हैं यहाँ पर जो है ज्यादातर भेजा और भेजा मसाला, गुर्दा मसाला, मटन भुना, भेजा मसाला, गुर्दा मसाला, चिकन रोल है, मटन रोल, भेजा रोटी, नान सैंडविच, सब फेमस है भाई, रेगुलर मिलेगा यार, रेगुलर रमजान में तो रहता ही है, रेगुलर भी, रेगुलर भी रहता है, बट रमजान में बहुत ज्यादा रहता है। लोग बाग करा के भी लेके जाते हैं और खाते भी रहते हैं।
बहुत तगड़ा है। अभी कभी तक रहेगा ऐसा? ये चांद रात तक रहेगा, वो रमजान अभी रात में सहरी तक रहेगा, 3:30 बजे तक रहेगा। सो फाइनली गाइज हम लोग भी कुछ खा लेते हैं, थोड़ा सा आपको बताते हैं कैसा टेस्ट है। तो हम लोग ले रहे हैं चिकन मलाई टिक्का, चिकन मलाई टिक्का स्पेशल, एक नॉर्मल वाला भी आता है। सो ये कितना 200 रुपीज का है ना, 200 रुपीज का, 5-6 पीसेस इसके अंदर आते हैं। और सिंपल वाला भी रहता है, वो कितना 150 का रहता है सिंपल। ये स्पेशल वाला हम लोग लेते हैं और टेस्ट आपको बताते हैं। ये देखिए यहाँ पर सिक रहा है अभी, और इसको अभी क्रीम के साथ जो है मस्त करके इसको बनाया जाएगा, आप लोगों को अभी दिखाते हैं। यार आप लोग भी मुंबई में रहते हो और रमजान में रात को घूमने के लिए आते हो तो यार यहाँ पर भी जरूर आए खाने पीने के लिए, बहुत बेस्ट दुकान है। मतलब आपको नॉनवेज आइटम भी मिलेगा और स्वीट्स भी मिलेगा। तो गाइस फाइनली अपना जो है वो सीख गया है, और यहाँ पर जो है हमारा मलाई के साथ अच्छे से कॉम्बिनेशन हो रहा है, आप लोग वहाँ पर चेक कर सकते हो। फ्राइडे सैटरडे रमजान में वेटिंग रहता है, वेटिंग। अच्छा, वेटिंग वेटिंग। सो फाइनली गाइज हमारा आ गया है चिकन स्पेशल मलाई टिक्का। सो भाई आपका नाम क्या है? शाहनवाज। शाहनवाज भाई, तो शाहनवाज भाई कुछ बता रहे हैं यहाँ के बारे में, थोड़ा क्या बता रहे हैं? यहाँ पे एक्चुअली में रमजान में, मतलब ये जो रमजान में 1 मंथ के लिए लगता है ना, कुछ ज्यादा ही स्पेशल रहता है, और भीड़ भी इतना रहता है ना कि मतलब आपको बता नहीं सकते, बयां नहीं कर सकते, कुछ ज्यादा ही भीड़ रहता है। आप अफ्तार के बाद से लेकर 3:30 बजे रात तक मिनिमम वेटिंग में रहता है, मिनिमम फ्राइडे सैटरडे मिनिमम वेटिंग रहता है। फ्राइडे सैटरडे ज्यादातर हाँ वेटिंग के लिए लाइन रहता है, और अभी भी आप लोग देख सकते हो 12:30 बज रहे हैं, बहुत ज्यादा भीड़ है। तो फाइनली हम अपना ये खाते हैं, और टिक्का में रोटी में क्या बोलते हैं, चिकन बेदा रोटी, चिकन रोल, मटन बेदा रोटी, मटन रोल, उसके बाद आपका गुर्दा मसाला मिल जाएगा, काली मिर्ची गुर्दा मसाला मिल जाएगा, भेजा मसाला मिल जाएगा, खटाखट मिल जाएगा, तवा पुलाव मिल जाएगा, मालपुआ यहाँ का बहुत फेमस है, और मिठाई में भी बहुत सारे आइटम है जो फेमस है, आपको आप एक बार ट्राई कर सकते हो, कोई भी चीज एक बार ट्राई कर सकते हो आप। क्या बात है, बहुत बढ़िया शाहनवाज भाई। सो अपन ये खाते हैं और फिर पीछे भी आपको दिखाते हैं। स्वीट्स में भी बहुत सारी वैरायटीज है, मालपुआ भी है स्पेशली, हाँ मतलब ज्यादा ही ज्यादा फेमस है मालपुआ। तो चलिए फाइनली ठंडा हो जाएगा ये, शाहनवाज भाई से भी काफी सारी बात कर ली है, तो बस अभी खाते हैं और टेस्ट बताते हैं आपको। अच्छा है, काफी बढ़िया है, ये स्पेशल वाला है, नॉर्मल वाला भी आता है, उसमें ज्यादा क्रीम का कॉम्बिनेशन नहीं रहता, एक ही बार लगता है। इसमें जो बाद में क्रीम डाला ना काफी ज्यादा, तो उसकी वजह से जो है टेस्ट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया इसका। मजा आ रहा है, मुंह में एकदम घुल मिल रहा है, एक नंबर। वो खाएं तो आप लोग स्पेशल वाला खाइए, थोड़े सा ज्यादा अमाउंट है, क्या हो गया, वो 150 रुपए का, ये 200 रुपए का है, 50 रुपए का फर्क है, लेकिन टेस्ट ऑसम। तो सारा खाना अपने बस की बात नहीं है, पीछे जो कैमरा मैन है बाकी का वो खाएगा। फाइनली हम लोगों ने चिकन मलाई टिक्का खा लिया है, एक नंबर टेस्ट था गाइस, आप लोग आए तो जरूर खाए। तो अभी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, मेरा माइक डिस्कनेक्ट हो गया था, तो यार काफी सारी ये सब वॉइस जो है सब बर्बाद, अब इसमें मेरे को वॉइस ओवर करना पड़ेगा, टेंशन मत लीजिएगा, सब मैं वॉइस ओवर के थ्रू बताता हूँ। तो अभी हम लोग पीछे आ गए हैं 26 सवक्कल में, यहाँ पर जो है स्वीट्स है, फिरनी है, मैंगो फिरनी है, सिंपल वाली फिरनी है। तो यहाँ पर हम लोगों ने मैंगो वाली फिरनी पूछा, तो मैंगो वाली फिरनी थी 100 रुपीज की, सिंपल वाली फिरनी थी 80 रुपीज की, ठीक है। और हम लोगों ने यहाँ पर मैंगो फिरनी ले लिया चचा से, और उसका टेस्ट भी हम लोग करते हैं और बताते हैं फिर आपको कैसा टेस्ट है। वॉइस ओवर के थ्रू मैं आपको सब प्रॉपरली अच्छे से बता देता हूँ। जो कि मैंगो फिरनी थी वो पूरी की पूरी जो है बिल्कुल मैंगो जैसे कलर की थी, पूरी येलो येलो, और उसके ऊपर ड्राई फ्रूट की कोटिंग हुई हुई थी। और जैसी मैंने उसको खाया, एकदम मुंह में मैंगो का टेस्ट जैसा होता है, सेम टू सेम मैंगो का टेस्ट आ रहा था, और फिरनी खाने का जो मज़ा था ना एक अलग ही, वो स्पून में लेकर के मुंह में रख कर के जो मज़ा था ना वो अलग ही लेवल मज़ा था गाइस, एक नंबर फिरनी थी। और इसके अंदर मेरे को मैंगो के पीसेस भी फील हो रहे थे, तो काफ़ी अच्छा था, 100 रुपीज का था। और इनका सबसे जो फेमस है यहाँ का स्वीट्स वो है मैंगो मलाई, वो भी हम लोग अंदर जाके सैंपल्स टेस्ट करने वाले हैं, तो वो चीजें हम लोग आगे दिखाएंगे। लेकिन अभी चचा ने मंगाई है 2 फिरनियां, और ये है अखरोट की फिरनी, और एक और है चचा के पास यहाँ पर है पिस्ता की फिरनी। तो इन दोनों के 200 रुपीज प्राइस है, मैंगो वाली का 100 है, सिंपल वाली का 80 है, जो की व्हाइट वाली आती है नॉर्मल, और इन दोनों के 200 है। और यहाँ पर ये सबसे ज्यादा फेमस आप लोग देख सकते हो, ये है मैंगो मलाई, जो कि इनकी शान है, मतलब इनका एक सिग्नेचर है। और यहाँ पर बकरे की रान वगैरह भी मिल रही थी, जो कि हम लोग नहीं दिखा पाए, ये देखिए
और सब्बीर तवक्कल्स पे यहाँ पर चचा ने निकाल दिया हम लोगों को तीन तीन सैंपल्स, क्योंकि मैंगो मलाई है और एक है मलाई ब्लैक करंट, एक है मलाई वॉलनट। तो हम लोग टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने मलाई ब्लैक करंट खाया, तो मुंह में रखते ही जो ब्लैक करंट वाला टेस्ट होता है पूरे मुंह में घुल गया। इनकी जितनी भी चीज़ है ना मिठाई के अंदर, वो मुंह में रखते ही टेस्ट आ जाता है, एकदम माइंड में लगता है कि यार वाह क्या टेस्ट है। अभी हम लोग देखो वॉलनट वाला मलाई वॉलनट नाम था इसका, ये भी एक नंबर टेस्ट था, बट इनका जो एकदम पॉपुलर है वो है मैंगो मलाई, जो कि हम इसके बाद अब टेस्ट करने वाले हैं। आप लोग देखिएगा बहुत ही बेहतरीन था ये। ये बता रहे थे कि ये 1200 रुपए किलो है, और आप लोग देखिएगा आ हा 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 क्या बात है, मतलब मुंह में रखते ही ना भाई साहब एक नंबर। अभी मैं यहाँ पर मेरा मन कर रहा है कि मैं दोबारा जाऊँ और मैंगो मलाई भरपूर खाऊँ। अभी तो जस्ट चचा ने मैंगो मलाई सैंपल ही टेस्ट कराया था। तो फाइनल गाइज अभी मैं खड़ा हूँ बॉलीवुड स्टार ताहिर भाई के साथ और उनके छोटे भाई मोहर भाई के साथ। तो ये जो इनकी शॉप है, मतलब ये शॉप जो है इन्हीं की है। हाँ गाइज ये शॉप इन्हीं की है, और ताहिर भाई की काफी सारी मूवीज भी आप लोग स्क्रीन पर आ जाएगी, जैसे कि गुलटी, नाम शबाना, बाईपास रोड, काफी सारी मूवीज हैं ताहिर भाई की। सो इनका इंटरव्यू भी यार माइक की वजह से इतना खराब हो गया है, मेरे को सब वॉइस ओवर करके बताना पड़ा है। तो इन्होंने बोला कि ये हमारी थर्ड जनरेशन है, दादा के टाइम से चल रहा है, दादा ने संभाला, फिर पापा ने संभाला, और अभी ये कैरी ऑन कर रहे हैं, पापा के नाम को ही आगे बढ़ा रहे हैं, जो कि शब्बीर है, शब्बीर तवक्कल्स करके। तो अभी इनकी काफी अच्छी शॉप है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जैसे कि सलमान खान और शिल्पा शेट्टी, गौहर खान, बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और शेफ्स भी यहाँ पर खाने पीने के लिए आते हैं। और यहाँ पर ताहिर भाई ने बोला कि हम लोग जब छोटे छोटे थे तो अब्बा ने हमको लगा दिया था, जैसे कि मैं 5 साल का था, बोले कि मैं 5 साल का था, मोहर तो और भी छोटा था, तो अब्बा ने हम लोगों को लगा दिया था। तो जब से करते करते करते, उस टाइम पे इतना पॉपुलर नहीं था, और आज आप लोग देख ही सकते हो कितना ज़्यादा पॉपुलर है शब्बीर तवक्कल्स करके। बड़े बड़े लोग बहुत दूर दूर से यहाँ पर खाने पीने के लिए आते हैं, और सेलिब्रिटीज़ लोग भी बहुत आते हैं। जैसे कुछ दिन पहले यहाँ पर आवेश दरबार भी आया था, सलमान खान भी आया था, आप लोग देख सकते हो अंदर फोटोज़ लगी हुई है और फोटोज़ चलती रहती है। यहाँ पर एक टीवी में जो है सेलिब्रिटीज़ आते रहते हैं, तो उनके साथ क्लिक कराई हुई फ़ोटोज़ चलती रहती है, जो बड़े बड़े लोग आते हैं उनके साथ क्लिक कराई हुई फ़ोटोज़ अंदर चलती रहती है। सो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया इन लोगों से बात करके, और काफ़ी अच्छा बिहेव था। ऐसे नहीं कि एक्टर हैं तो काफ़ी मतलब एटीट्यूड रहेगा, नहीं यार, ताहिर भाई ने खूब अच्छे से हम लोग को इन्फॉर्मेशन दी और बोला कि काफ़ी अच्छा है, मतलब हम लोगों को इतने अच्छी अम्मी अब्बा मिले, ऐसा बोला उन्होंने। और बस गाइज वीडियो में इतना ही, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।